विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती व अवैध वसूली के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक यादव विराटनगर के वार्ड नंबर 17 का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में पूर्व में दो जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि 15 जून को आरोपियों ने सवारियां लेकर जयपुर जा रही निजी बस को विराटनगर बस स्टैंड के पास रुकवाकर चालक परिचालक से मारपीट की तथा 8,000 रुपए छीन लिए। साथ ही आरोपियों ने अवैध वसूली देने की धमकी भी दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए प्रकाश नरेश को गिरफ्तार किया था, लेकिन दीपक यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक निजी बस लोक परिवहन के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे तथा उससे अवैध पैसे लेने की उन लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें 5-6 लड़के शामिल थे, जिसमें से हमने 2 लड़के पूर्व में गिरफ्तार कर चुके थे और आज एक दीपक के पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव निवासी खानड़ा विराटनगर का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है और इसके अलावा उसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और बाकी लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी और बाकी हैं उसमें अभी 2 आरोपी और बाकी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई शामिल होगा तो उनको